দেখো आप लोग कुछ मत करना, पहले सब इधर देखना है ना, उसके बाद ही करना। 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये किसके समान होगा, कौन सा के समान होगा? क्वेश्चन है मेरे पास 1990 हमारा कब आएगा, कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा? ठीक है, ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी सन 2000, ऑप्शन डी 2001। ऑप्शन डी हमारे पास 2001। बेटा हमने इसको कर चुके हैं, हमको सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिस करना है। सर देखो 1990 कब रिपीट होगा, रिपीट का मतलब ये होगा कि बेटा 1900 गया होगा तो 1990 के सेम टू सेम साल महीने वगैरह जो होते हैं ना हमारे पास, वो किस साल की बात आएगा, कितने सालों की बात आएगा। जैसे मैं अभी हमारा 2021 चल रहा है ना, तो जो 2021 है हमारा बेटा वो जस्ट 2028 25 में रिपीट हो जाएगा। कब होगा 25 में, तो क्यों रिपीट होगा हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन मेरा क्या है कि 2090 का साल वर्ष रिपीट करना, आप लोग 1990 का वर्ष कब रिपीट होगा बेटा, तो आप लोग ध्यान से देखना ही होगा। क्या सर, क्या सर, यहाँ पर मैंने करने से लिखी है बेटा, ये थे मेरे पास नॉर्मल ईयर, इसको कहते हैं हम लोग क्या, साधारण वर्ष। डन, ओ बेटा क्या साधारण वर्ष और साधारण वर्ष और लीप ईयर यानी आदि वर्ष एक दूसरे के समान हो सकते क्या? साधारण वर्ष और लीप ईयर और नॉर्मल ईयर बेटा कभी भी एक दूसरे के समान नहीं हो सकते हैं। क्यों? तो उस कंडीशन में दोनों तो मेरे कट गए यहाँ पर, ऑप्शन एलिमिनेट। बेटा एक ही हमारे पास लीप ईयर है, ये भी हमारे पास क्या लीप ईयर है, बचे हमारे पास ऑप्शन कितने, दो हमको आता है सर। 1990 लिख दो यहाँ पर, ले लो दोनों का डिग्री कितना हो गया, 97 कितना, 7 साल का, 7 साल का डिफरेंस हुआ ना। 1997 यहाँ पर दिया है, 1990 का कैलेंडर हम चेक करके किसके समान डिफरेंट होगा, तो हमने कर चुका हूँ 7 साल वाला, 7 साल का डिफरेंस होगा ना, 7 ईयर। इसमें हम लोग जोड़ते लीप ईयर को, इसमें लीप ईयर कितना देखो, क्या 92 लीप ईयर होगा, बिल्कुल होगा। देखो 92 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करके बेटा 4 को 8 1 बचा 12 हो जाएगा सर, एक लीप ईयर हो गया, 96 होगा, ये भी होगा, कितने लीप ईयर हो गए, 2 लीप ईयर, तो बेटा यहां पर कितना हो गया, 7 और 2 9, 9 भागे 7 कितना बचा हमारे पास, 2 और डेज बचे हैं, 2 ही और बचे ना हमारे पास, ठीक है इसको चेक करते हैं सर। यहाँ पर लिखा है 1997 बेटा, इधर डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 4 का, 4 का आ रहा है, आ रहा है ना, देखो कितने का डिफरेंस इसमें आ रहा है हमारे पास, 4 का डिफरेंस आ रहा है। अरे ये 1990 आ गया, 1990 तो बेटा कितने का डिफरेंट आएगा हमारे पास, 11 का, 11 ईयर का डिफरेंट आ गया, प्लस में हम लोग इसमें लीप ईयर निकालते हैं, लीप ईयर निकालते हैं ना सर, 1990 से 92 एक लीप ईयर, 96 एक लीप ईयर, बेटा 2000 में लीप ईयर आएगा सर, 2000 बेटा शताब्दी साल है जिसमें साल से भाग से पूरा जा रहा ना हमारा, तो देखो कितना हो गया, 11 12 13 और 14 14 हो गए, 14 बेटा 7 मतलब 0, 0 ऑफ डेज हो गए, तो जिस भी कैलेंडर का 0 ऑफ डेज आ जाए बेटा, 0 का मतलब वही 7 तो होता है, जिस भी कैलेंडर का अगर 0 ऑफ डेज आ जाए ना, वही साल उसके समान रिपीट होगा।
बस हम टाइप कर तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 2001। आंसर हमारा क्या आएगा यहां पर 2001। यार हम लोग अगर सोमवार प्लस 0 तो बेटा सोमवार ही होता था ना हमारे पास, तो उसी के समान होगा फिर। क्वेश्चन अगला कि 2019 किसके समान रिपीट होगा, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए है 2032, ऑप्शन बी है 2028, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी लिखो बेटा 2025, 2025, ऑप्शन डी लिखो 2030, 2030। अब ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ आपको बेटा, 2019 का एक लीप ईयर की नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है ना, तो सर यहां पर नॉर्मल ईयर को पहले तो आप लोग लीप ईयर को आएगा नहीं यहां पर पहली बार, क्या सर 2032 हमारा लीप ईयर नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है ना 24, 28, 32, तो बेटा ये तो कभी आएगा नहीं, ये आएगा, ये भी लीप ईयर हमारा कि नहीं है, है ना। अरे 20 के बाद 24 के बाद 28 आता ना, तो बेटा ये भी हट जाएगा क्योंकि हमको यहां पर नॉर्मल ईयर गिवन है, तो बेटा लीप ईयर कभी हो ही नहीं सकता। अब बेटा बचा हमारे पास कितने, दो, तो यहां पर कितना दिया हमको 1999 दिया ना, 1919 ये 2019 दिया है, 2019 कितने साल का डिफरेंस हुआ, 25 से 19 के कितने, 6 साल का डिफरेंस हुआ ना, पर 2000 को मत देखो समान ही है, 6 साल का डिफरेंस है बेटा, लीप ईयर कितने आए होंगे, 2, 19 के बाद बेटा 20 और 20 के बाद में ये 24, 2 लीप ईयर तो कितने हो गए बेटा 8, 8 का मतलब 1, 1 और 10 बचा यहां पर, इसको चेक करते हैं हम लोग यहां पर 2019 कितना, हम लोग कितने का डिफरेंस आ रहा हमारे पास 11 का, 11 का आ रहा है बेटा, ध्यान दे रहा मैंने आपको कि यहां पर भी 11 लिखा है, यहां पर भी वही 11 का डिफरेंस आ रहा है, अभी बताऊंगा छोटा फटाफट फिर बताऊंगा। लीप ईयर कितना है बेटा, एक तो 2020 आएगा, 24 और 28 मतलब 3 लीप ईयर, 11 3 कितने हो गए 14 और मतलब 4, इस 14 का 0 मतलब 0 ऑफ डेज, तो बेटा जो हमारा 2019 का कैलेंडर है किस साल के समान रिपीट होगा हमारे पास, 2030 के समान रिपीट होगा। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाओगे बेटा सबसे पहले तो, आप लोग अपने को इतना थोड़ा थक नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको ये करना है, अरे यार ये पहले हमने सब सीख चुके हैं, ये हमने ना पूरे पहले सीख चुके हैं, इसलिए तो हम लोग इसको फास्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं ना, पूछता है कि 2019 का कैलेंडर किस ईयर के समान रिपीट होगा, तो आप लोग बता सकते हो इसका आंसर है। क्वेश्चन अगला कि 2017 का कैलेंडर किस के समान रिपीट होगा, ऑप्शन ए है मेरे पास 2023, 2028, 2025, 2025 और 2024, 2024, ठीक है। क्वेश्चन अगला कि 2021 किसके समान आएगा, बेटा इसमें ऑप्शन ए है 2027,
ऑप्शन बी है 2032, ऑप्शन सी है 2030, डी है 2025, सॉरी 28। क्या कर सकते हैं इसको आप लोग? कर दे ना ये नानी करे तो नहीं काई पे घर पे आ कर कल सो गई थी क्या आने का मन नहीं था बेटा पढ़ लो डन आप पूरा करो ना इसको उन्हें बेटे आप लोग है ना आज की एग्जाम क्या नहीं है तो जियोग्राफी पढ़ो है ना उसमें जियोग्राफी पढ़ो क्योंकि आप लोगों को सिलेबस खत्म करना है जल्दी जल्दी फास्ट घर जाके क्या करते हो वैसे कुछ करते हो यार आप लोगों को खाने का नहीं समझ में आता देखो इधर 2017 के सिलेंडर समान रिक्वेस्ट का क्या निकाल सके आप लोगों ने अरे सबसे पहले तो ये देखो आप लोग सर ये 2017 हमारे पास है नॉर्मल ईयर है कि नहीं है ए तो बेटा 2024 हमारे पास एक लीप ईयर है इसको हटा दो 28 को हटा दो ऑप्शन बचे कितना हमारे पास दो दो बच्चे ना तो देखो हम डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको इधर ध्यान से देख लो इधर सर 2017 ये है और 23 ये है बेटा तेईस ही है तो देखो इसको जीरो कैसे लाता हूँ बात को ध्यान से देखना आपको 17 और 23 इन दोनों में से डिफरेंस देखो 3 तो 20 तक 11 के निकलेंगे और 3 तक निकल जाएंगे कितनों का 6 बेटा इसके बीच में एक लीप ईयर आ रहा है हमारे पास 2020 कितनों का 7 7 का मतलब 0 समझ में आया कि नहीं आया इसको चेक करो सर 2021 बेटा 28 हमारे पास का एक लीप ईयर है 32 का हमारे पास लीप ईयर है दोनों को चेक करो है ना बेटा ये डिफरेंस कितने का आ रहा है तो दोनों सालों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 ईयर का 6 साल का आ रहा है अब इसमें चेक करो आप सर 21 और 27 को चेक करो देख लो इधर 21 और 27 का डिफरेंस कितना सर हमारे पास 6 साल का है कि नहीं है बेटा 24 एक लीप ईयर भी तो आ रहा है कितना हो गया 7 7 का मतलब 0 तो बेटा इस कंडीशन इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये आ रही क्या रही बात समझ में तो हेडिंग डालना है यहाँ पर नो नॉर्मल साधारण वर्ष है ना नॉर्मल ईयर को रिपीट
होने में 6 साल या 11 वर्ष लगते हैं। बात को ध्यान से समझना। नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में बेटा 6 साल से 11 साल लगते हैं। बेटा 11 साल का डिफरेंस देखा था ना हम लोगों ने, कहीं लिखा ये देखो, दो क्वेश्चन इस पे डिपेंड कर रहे थे। यहां पे बेटा कितने साल का डिफरेंस आ रहा है दोनों क्वेश्चनों में? 6 साल का, 6 साल का डिफरेंस आ रहा ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, 6 साल का डिफरेंस, 6 साल या 11 साल लगते हैं बेटा। 6 साल कब आएंगे हमारे पास? 6 वर्ष कब आएंगे? अब आपको ध्यान से सुनना बेटा, 6 वर्ष कब आएंगे? 6 वर्ष कब? साधारण वर्ष, सॉरी वो वर्ष जो साधारण वर्ष, वो वर्ष जो, अरे साल उसको क्या कहते हैं, लीप ईयर को, आदि वर्ष में लिख देता हूं, लीप ईयर के तुरंत बाद आता हो, तुरंत बाद आता हो बेटा। ध्यान से समझना आप लोग, यहां पर दोनों कंडीशन देख लो, देख लो, अरे देख ही ला, मैंने यहां पर लिखा लिखा बेटा 2019 लिखा हुआ था, 2019 लिखा हुआ था बेटा, 2016 की बात करते हो, 19 कब आया होगा जब मेरा लीप ईयर 2016 क्रॉस किया होगा, है ना? तो देखो एक इस क्वेश्चन को देखना बेटा, 2019 ये लीप ईयर तुरंत बाद तो नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि लीप ईयर तुरंत बाद कौन सा साल आता है हमारे पास? 2017 आता है, है ना? अब यहां पर देखना सर, ये 2017 है ना मेरा, ये 2016 के तुरंत बाद आ रहा है, 2016 के बाद में तुरंत बाद आ रहा है, 2016 खत्म होने पर 17 ही लगता ना अपना, तो बेटा जब 2017 16 खत्म होने के बाद में 2017 लगता है, उस कंडीशन बेटा यहां पर डायरेक्ट सीधे सीधे आप लोग 6 जोड़ देना, 6 कैसे जोड़ना देखो बेटा, 17 से कितने होते 23, ऑप्शन सही आ रहा है समझ में? 2021 बेटा 2020 के बाद ही क्रॉस हुआ होगा ना, तो 21 प्लस 6 27 पर नहीं है तो है हमारे पास। अरे बेटा ये तो कांसेप्ट समझाए मैंने आप लोगों को, है ना? ये आते हैं हम, मेरी बात ध्यान सुनना, ये हमको आते हैं, और कभी भी जो वर्ष हमारे लीप ईयर में तुरंत बाद नहीं आ रहा है बेटा, वो हमेशा 11 साल में रिपीट होगा। कितने साल में रिपीट होगा? 11 साल। देखो यहां पर मैं अगर लिख दूं कि 2018 बेटा, ये 2018 हमारा कब रिपीट होगा, इसमें 11 जोड़ दो आप लोग कितना हो जाएगा, 18 10 28 और 29 बेटा, ये 2018 जो होगा 2029 के समान में आएगा। बेटा 1995 किसके समान रिपीट होगा? 92 तो हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर है 93 94 95 लीप ईयर बेटा, ये तो बीच में बहुत ज्यादा चले गए ना। मैंने कहा कि जो लीप ईयर तुरंत बाद जो साल आता है ना, हमेशा 6 साल के बाद में रिपीट होगा, वो जो तुरंत बाद नहीं आता बेटा, वो 11 साल में रिपीट होगा, तो इसमें 11 जोड़ दो डायरेक्ट, ये 6 हो गए, ये 0 हो गए, ये 0 हो गए, 2006 में रिपीट होगा। अरे बस समझ में, अगर हम पूछ लिया कि सर 1995 कब रिपीट होगा बेटा, 96 था हमारे, 1996 था हमारे पास एक लीप ईयर है ना, लीप ईयर तुरंत बता रहा हूं, 6 साल इसमें जोड़ दो, 2003 बात समझ में आ रही है? आ रहे ना आप लोग? मैं इसको पूछो ना कि सर ये 11 और 6 क्यों हम लोग करते थे बेटा, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बता दिया मैंने आप लोगों को, क्यों करते हैं हम लोग? आई बात समझ में? सर ये दोनों क्वेश्चन में लीप ईयर तुरंत बाद का पूछा हुआ है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन बेटा लीप ईयर के बहुत आगे का पूछा हुआ है हम लोगों को, ठीक है? डन। अब देखो आप लोग, मैं लिखते जाऊंगा, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग उसको करो अभी, ठीक है?
अरे नहीं अभी करना है, वो बता रहे हैं हम बोर्ड के ऊपर कॉपी पेन से बंद करके हैं। चलो करें हम लोग, देखो आप लोग करते जा रहे हैं ना। 2001 कब रिपीट होगा, 2002 कब रिपीट होगा, 2005 कब रिपीट होगा, 2006 कब रिपीट होगा, 2008 कब रिपीट होगा, 2011 कब रिपीट होगा, 2013 कब रिपीट होगा, 2015 कब रिपीट होगा, 2018 कब रिपीट होगा, 2021 कब रिपीट होगा, 2025 कब रिपीट होगा, 2026 कब रिपीट होगा। कर सकते हैं आप लोग? अरे कर सकते कि नहीं, कर सकते। बोलो पहले कैंसर क्या रहा है? 2012 डन। कितना रहा बेटा? 6 वो सही नहीं सर, 7 इसका आंसर आएगा। 7 6 साल बाद कभी भी मेरी बात ना सुन, ज्यादा है ना फास्ट में मत भाग और ज्यादा ऊंचाई में भी मत जा, है ना? अपने को जितना पता है ना उतना ही जवाब दिया। फर्स्ट कंडीशन, किसी भी क्वेश्चन को जवाब देने से पहले आप लोग घबराओ मत, टाइम देते हैं हम लोग, एग्जामिनर तक को टाइम दे रहे हैं, है ना? तो एक बार ध्यान देना कि यहाँ पर पूछा मैंने लिखवाया जो लिख है हमारा समझाया था ना आप लोगों को बीच में कि जो सन 2000 हमारे पास क्या थे लिख दिया था, तो बेटा उसके तुरंत बाद में आएगा ये साल 2001, तो भी ये 6 साल के बाद रिपीट होगा कि नहीं होगा, तो बेटा ये 2007 में रिपीट होगा, 2002 की बात करता हूँ, अब बेटा ये 11 साल में रिपीट होगा, तो 11 बार तो कितना हो गए, 2013 में रिपीट होगा बेटा, ये भी तो होगा 11 साल बाद। नहीं सर, ये तो तुरंत बाद आ गया, तुरंत बाद आ गया, तो 5 वर्ष कितना हो गए, 11। तो बेटा 2005 में 2011 के समान रिपीट होगा, समान दिखेगा हमको। 2006 15 में दिखेगा, क्यों बेटा? सर 11 साल बाद आएगा। हाँ तो 11 साल तो 11 और 6 कितने होते हैं? 2017 में रिपीट होगा ना ये, जोड़ते जाओ 2008 ये तो एक लीप ईयर है ना हमारे पास, अरे इसमें से 14 में रिपीट हो जाएगा, अरे एक 4 लीप ईयर है, एक 8 लीप ईयर है हमारे पास, तो बेटा अभी इसको छोड़ दो आप लोग। 2011 11 साल बाद 2022 में रिपीट होगा, होगा ना? 2013 12 का पेपर तो जस्ट 13 आ गया, 6 साल में, तो 2019 15 और 11 देखो यहाँ पर जोड़ो, 5 और 1 6, 1 और 1 2 18, 8 और 1 9 2 21 6 7 क्यों बेटा? ये 2025 है जस्ट, उसके बाद 6 जोड़ेंगे इसमें हम लोग, तो 11 का 31 में 26 में 11 जोड़ दो 7
तीन आ रहे हैं आप में। तो देखो समझाना मतलब यही था कि एक नॉर्मल ईयर को बेटा रिपीट होने में चाहे 6 साल लगते हैं या फिर 11 साल लगते हैं। 11 साल कब लगे, 6 साल कब लगे, जब नॉर्मल ईयर के लिए लिखते हैं तुरंत बाद साल आ रहा है हमारा। जैसे मान लो जब देखो सर 2001 तुरंत बाद आ रहा है हमारे पास, 2005 से तुरंत बाद आ रहा है लिख के बाद में, फिर 2013 2021 अरे आया नहीं आप लोगों को समझ में, आ गया ना आया नहीं आप लोगों को समझ में, उनका समझ में आ रहा है ना। दूसरी बात अब देखो एक नॉर्मल ईयर को रिपीट होने बेटा 2006 या फिर 11 साल लगते हैं। वैसे बेटा एक लीप ईयर को कंप्लीट होने बेटा लगते हैं हमको 28 साल, कितना साल लगते हैं हमको 28 साल। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा देखो, कि अगर क्वेश्चन मेरे पास ये है ना कि अगर सन 2020 किस वर्ष के समान दिखाई देगा, तो बेटा इसमें डायरेक्ट लो 28 जोड़ देना, 8/4/2048 के समान दिखाई देगा, ये अच्छा करेक्ट आंसर है। देख लो कि 48 एक लीप ईयर है मेरे का, हां सर बिल्कुल है, जोड़ दो आप लोग 4 + 4 = 8 2020 किसके समान दिखाई देगा हमको 2048 के समान। अगर क्वेश्चन आता है कि सर 2024 बेटा ये तो हमारा एक लीप ईयर है तो ये किसके समान दिखाई देगा, उसमें डायरेक्ट 28 जोड़ दो आपको आंसर, तो 8 + 4 = 12 को तो हट गया 1 + 4 = 5 2052 के समान 28 साल एक लीप ईयर हमेशा 28 साल के बाद ही दिखाई देगा, बाद ही साल ही रिपीट होगा। ठीक है डन।